बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच है. एक तरफ बैंगलोर, दूसरी तरफ कोलकाता. बैंगलोर इवन दो दे लॉस्ट द फर्स्ट गेम, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने खेला था. और डीवाई पाटिल जहाँ पे मैच है वहीं पे बैंगलोर ने अपना पहला मैच भी खेला था. 205 रन बनाए लेकिन फिर भी डिफेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि डीवाई पाटिल का ये जो पिच है इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू, जनरली नहीं रहता. लेकिन हमने पहले मैच में जैसे देखा कि कैरी है, थोड़ा सा घास है जहाँ पे थोड़ा सा तेज गेंदबाजों को इनिशियली मदद मिलता है, लेकिन जो कैरी है वो मदद करता है बल्लेबाजों को बैटिंग के लिए. बहुत ही शानदार ये पिच है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होगा. दूसरी तरफ कोलकाता पहला मैच दे प्लेड रियली वेल, जीते भी पहला मैच. स्पेशली वो 8 ओवर्स बहुत क्रूशल रहते हैं सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के. तो चलिए टीम पे नज़र डालते हैं. सबसे पहले दिनेश कार्तिक प्लेड रियली वेल पहले मैच में. अजिंक्य रहाणे जिन्होंने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 40 कुछ रन बनाए अपने पहले मैच जो खेला. श्रेयस अय्यर स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. फैफ डुप्लेसी जो कि मेरे वाइस कप्तान भी हैं, पहले मैच में 88 रन बनाए. और कोलकाता के खिलाफ पिछले 2019 से 6 मैचेस में उनका एवरेज है, औसत है 77 का, और स्ट्राइक रेट 140 का है. और पिछले 10 मैचेस में फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें तो उन्हें एवरेज 59 फैंटेसी पॉइंट्स उनका एवरेज है पिछले 10 मैचेस में. आंद्रे रसल ऑलराउंडर, बॉल भी डाल रहे हैं, डेथ ओवर्स में भी डालते हैं तो विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं. और इस पिच के ऊपर अगर बारी आती है बल्ले के साथ सो यू कैन एक्सपेक्ट सम बिग हिटिंग. सुनील नारायण जो कि मेरे कप्तान हैं और पिछले 10 मैचेस में उनका एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स 53 का है, 53 का. वेंकटेश अय्यर उनका एवरेज फैंटेसी पॉइंट 68 का है लास्ट 10 गेम्स में. वनंदु हसुरंगा उनका भी एवरेज अगर फैंटेसी पॉइंट्स देखे पिछले 10 मैच में 53 का है. उमेश यादव स्टार्टेड ऑफ वेल और नई गेंद के साथ थोड़ी बहुत मदद है इस पिच के ऊपर जहाँ पे घास है. वरुण चक्रवर्ती और हर्षल पटेल, हर्षल पटेल का पिछले 10 मैचेस में एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स 59 है. सो देयर यू गो, दिनेश कार्तिक, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, फैफ डुप्लेसी वाइस कप्तान, आंद्रे रसल, सुनील नारायण मेरे कप्तान, वेंकटेश अय्यर, वनंदु हसरंगा, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षल पटेल. खैर उम्मीद ये हम करते हैं कि मैक्सवेल शायद अवेलेबल होंगे. इनिशियली जो सुनने में आया था कि सिर्फ पहला मैच अवेलेबल नहीं होंगे मैक्सवेल, तो शायद वो खेलेंगे, तो वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा. साथ में विराट कोहली भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है. मैं थोड़ा सा फंसा था बिकॉज ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स, यू नो काफ़ी ज़्यादा हैं क्रेडिट पॉइंट्स, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा फंस गया. तो इसलिए आप यू कैन ऑलवेज चेंज विराट विद समवन लाइक अ फाफ और समवन, तो वो आप सोच सकते हैं. दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली पहले पहले मैचेस हैं तो थोड़ा सा टीम्स कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस से इट गेट्स अ लिटिल ईजियर, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अवेलेबल होने लग गए हैं अब धीरे धीरे, स्पेशली द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो भी अवेलेबल अब धीरे धीरे होने लगेंगे. तो एक बार ज़रूर टॉस पर नज़र रखिएगा और पिच रिपोर्ट पर भी, शायद मैं ही करूँगा पिच रिपोर्ट इस मैच का, उस पर नज़र रखिएगा. और साथ में अगर टीम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो एज यू नो देर इज़ ऑलवेज अ सेकेंड चांस फैंटेसी प्रो जो नया फीचर है MPL ऐप में, तो अभी तक तो डाउनलोड कर ही लिया होगा आपने MPL ऐप और साथ में यूज़ कर रहे हैं ना फैंटेसी प्रो फीचर. नहीं कर रहे तो मेरे जो ट्विटर हैंडल पे मैच के दौरान भी मैं थोड़े से टिप्स दूंगा आपको, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस गेम. डाउनलोड नाउ फ्रॉम MPL.live. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk.